मेरा नाम आसिया है। मैं आपके सामने एक तहरीर पेश कर रही हूँ। तालीमी मैदान में फातिमा शेख के कारनामों को कभी भुलाया नहीं जा सकता। फातिमा शेख एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय जो समाजी मुसल्ला ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले की साथी थी। फातिमा शेख मियाँ उस्मान शेख की बहन थी, जिनके घर में ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले इस वक्त मुकीम थी। जब फुले के वालिद ने अपने घर वालों को और दलितों की खातिन की तरक्की के लिए घर से निकाल दिया था, वह जदीद हिंदुस्तान में पहली मुसलमान खातिन साथीदा में शामिल थी। इन्होंने फुले स्कूल में दलित बच्चों की तालीम शुरू की। इनके साथ ज्योतिबा सावित्रीबाई फुले पर दलित बरादरियों में तालीम फैलाने का इल्ज़ाम आयद किया गया। फातिमा शेख और सावित्रीबाई फुले ने मजलूम जातों की खातिन और लोगों को तालीम देना शुरू की। इन्हें मुकामी लोगों ने धमकी दी और इनके अहल खाने को निशाना बनाया गया और इन्हें ये इख्तियार दिया गया कि वो अपनी तमाम सरगर्मियाँ बंद कर दें या तो अपना घर छोड़ दें। इन्होंने अपना काम जारी रखने का इरादा किया। जब फुलझोड़े के साथ इनकी जात या इनके कुंबे और बरादरी के अपराध भी इनके काम में नहीं थे, चारों तरफ से तर्क। फुलझोड़े ने पना मांगी, मार्शल के जरिए सताए जाने वाली अपनी तालीमी ख्वाबों को पूरा किया। इनकी तलाश के दौरान वो उस्मान शेख नामी एक शख्स के पास आए, जो गंजपेट पुणे इस वक्त पुणे के नाम से जाना जाता है में रहाइश पजीर था। उस्मान शेख ने अपने घर फुलझोड़े की पेशकश की और कैंप में स्कूल चलाने पर राजी हो गए। 1848 में उस्मान शेख और इनकी बहन फातिमा शेख के घर एक स्कूल खुला। इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं थी कि कई जात के हर तकरीबन हर बार दिन फातिमा शेख और सावित्रीबाई फुले के खिलाफ थे। अशर्ती तजलील की वजह से इन्हें रोकने की कोशिश जारी थी। वह फातिमा शेख ही थी जिन्होंने हर तरीके से फातिमा शेख की हिमायत और मदद की।